तो यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, थीसिस, नोट्स वगैरह बनाने की फैसिलिटी देते हैं। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, गूगल का डॉक्स और एप्पल कंपनी का पेजेस। दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करते हैं जिसमें आते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। अब ये रहा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटा को एनालाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। टेबुलर फॉर्म मींस के रोज एंड कॉलम में डेटा को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक एक्सेल इसकी बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको खोल के बता देता हूँ। तो इसमें इसने नीचे एग्जांपल दिया है कि इस तरह का जो डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम में, उसको हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए स्टोर करना कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलरली इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेल और गूगल कंपनी का गूगल शीट्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर है, सेकंड पे गूगल शीट एंड एप्पल कंपनी का नंबर्स जो है, ये तीनों सॉफ्टवेयर जो हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एप्पल कंपनी का नंबर्स तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सेल और गूगल शीट का इस्तेमाल ज़्यादा है। और ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में, या आप सुनते हैं कि जितने भी बजटिंग, फाइनेंशियल डेटा की मैनेजमेंट होती है बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंटेंट या एडमिन या फिर मैनेजमेंट के लोग डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। इसका भी बड़ा कैरियर है आजकल डेटा साइंटिस्ट के अंदर भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेटा एनालाइज करने के लिए, अकाउंटेंट जितने भी हैं वो डेटा का हिसाब किताब करने के लिए किसी भी इदारे, ऑर्गेनाइजेशन का, शॉप्स का, और बैंक्स में भी इसको काफ़ी हद तक मकबूलियत हासिल है, यूज़ किया जाता है। सेकंड, गूगल शीट सेम काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग अलग कंपनी की वजह से फीचर्स का ज़रा फ़र्क है। तो बहरहाल याद रखें, डॉक्यूमेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अकाउंट्स पर काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मोस्ट प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ये दूसरी कैटेगरी में आता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें इस तरह की फैसिलिटी देंगे, उन्हें हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें डेफिनेशन इसकी ये है कि ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको प्रेजेंटेशन बनाना, एड्स बनाना, कार्ड्स बनाने की फैसिलिटी देते हैं, और लिटिल बिट 2D एनिमेशंस भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल कंपनी का स्लाइड और एप्पल कंपनी का की नोट बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। इसमें आप स्लाइड शोज, प्रेजेंटेशन, इंटरेक्टिव कंटेंट और कन्वे इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली टू ऑडियंस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ये भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर बनाई हुई है। अभी मैं आपको इसका एनिमेटेड वर्जन नहीं दिखा रहा हूँ, वरना इसमें भी टेक्स्ट आगे पीछे एनिमेट होते हैं और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता। तो याद रखेंगे, तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर इस तरह के सॉफ्टवेयर जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने की, या आपको एड्स बनाने की, या फिर आपको जो है वो कोई कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, या कोई छोटा मोटा इंट्रो बनाने की फैसिलिटी देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट, गूगल कंपनी का स्लाइड और एप्पल कंपनी का की नोट सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो है एक और सॉफ्टवेयर है। एक मिनट ठहरिए, ओके। तो अगर इसी चीज़ में आगे चले तो फिर हमारे पास और सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो हैं हमारे पास, जिसमें शामिल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउ करता है यूज़र को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इफ़िशेंटली। मतलब ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसमें आप डेटा को बेहतर
तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब इस सॉफ्टवेयर में जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो दुनिया में यूज़ होते हैं वो हैं ओरेकल, ये ओरेकल सॉफ्टवेयर का नाम भी है और ओरेकल इसी कंपनी का नाम भी है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी माई एसक्यूएल कंपनी का माई एसक्यूएल है। ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं वर्ल्ड वाइज डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा मोटा डेटाबेस का जो मामला है इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की जितनी फील्ड्स आ रही हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एनालाइजिंग के लिए और डेटा को ऊपर क्यूरीज अप्लाई करने के लिए ओरेकल या माई एसक्यूएल को आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इसका जो बिल्कुल बेसिक वर्जन है वो एसक्यूएल है। अगर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको अगर आप सीखेंगे तो डेटा को एनालाइज करना, स्टोर करना, यानी कि क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना और ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, जो फर्दर आपको आगे चल के सीखनी ही पड़ेंगी अगर आप कंप्यूटर साइंस में आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डेटाबेस यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है, ओरेकल कंपनी का ओरेकल हो सकता है और माई एसक्यूएल कंपनी का माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जिनको हम इफेक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं। और यही सारी सी एस की फील्ड में आगे चल के आपको पढ़ाया जा रहा होता है, इंशाल्लाह हम भी आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। तो उसके बाद ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये एक और टाइप आ जाती है जिसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड ऐसे सॉफ्टवेयर जो विजुअल्स और एडिट्स कर सकते हैं, जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह इन सारी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप जो है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, पंफलेट डिज़ाइनिंग, इसके कार्टून्स, इसके अलावा बैनर्स, पोस्टर्स और अ लॉट ऑफ थिंग्स इस तरह की क्रिएट की जा सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया में एडोब फोटोशॉप और गिम्प सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का नाम है, एडोब कंपनी का है, ये ओपन सोर्स है इसलिए सॉफ्टवेयर का नाम गिम्प है और कंपनी का नाम भी गिम्प ही है। कोरल कंपनी का कोरल ड्रॉ, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी एक दो सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ जो इसमें मैंने ऐड नहीं किए, एडोब कंपनी का एडोब इलस्ट्रेटर, इसके अलावा आजकल वेब पे ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, खैर वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहा है लेकिन वो एक वेब एप्लीकेशन है जिसको हम कैनवा के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडस्ट्री एज के अंदर प्रोफेशनली जो यूज़ होते हैं वो फोटोशॉप, कोरल ड्रा, लिटिल बिट गिम्प और एडोब एलिस्ट्रेटर, ये वो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं और लेटर ऑन आपके सब्जेक्ट में आपको भी सिखाए जाएंगे। तो ये भी एक कैटेगरी होती है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस की, जिसमें हम जॉब्स करते हैं, हम ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, शॉप्स ओपन करते हैं और इससे भी हम अपनी काफ़ी बेहतर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ गुजार सकते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटो एडिटर, और ये बहुत बड़ा काम है और इसमें आजकल लोग काफ़ी पैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास एक कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में, जिसमें हम वेब ब्राउज़र्स को शामिल करते हैं। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, आपने नाम सुना ही होगा, गूगल का क्रोम, मोज़िला का फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट का ईज और भी वेब ब्राउज़र हैं, सफारी, यूसी वगैरह, और आते रहेंगे गुज़िश्ता जो गुज़र गए हैं। इनका काम ये होता है कि आपको इंटरनेट से कंटेंट ला के दिखा रहे होते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी ये गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ओके, अभी आवाज़ और स्क्रीन दोनों साथ आ रही है या आगे पीछे हो रही है, मुझे ज़रा बता दें। क्लियर कर दें ताकि हम आगे चलें। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेब ब्राउज़र, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी वेबसाइट वगैरह एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ से हम इसको गूगल पर जाते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए मैंने जो ये वेबसाइट मैंने खोली है google.com या youtube.com, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है वो मेरा वेब ब्राउज़र है जिसका नाम है गूगल क्रोम और उस पर ये वेबसाइट मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हैं वो मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल में भी करते हैं और
इसके अलावा आप जो हैं अपने उस पर भी कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स पे भी कर रहे होते हैं, लैपटॉप्स पे भी कर रहे होते हैं, और इनका काम सिर्फ यही है कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद वेबसाइट के कंटेंट आपको दिखाए जाएँ। तो याद रखिए, वेब ब्राउज़र्स ये इनका जनरल कैटेगरी का नाम है, गूगल कंपनी का क्रोम, मोजिला कंपनी का फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज ये आपके लिए इस्तेमाल होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये गूगल क्रोम है, जो वेबसाइट्स को डेटा को आपको दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं कंप्यूटर और मोबाइल पर। फिर आगे चलते हैं तो एक और कैटेगरी आती है जिसका नाम है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर शामिल हैं वो हैं वीडियो एंड ऑडियो प्लेयर्स, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो ये वो जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसमें शामिल हैं जो कि इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इसमें इस्तेमाल होने के साथ साथ आप इन सॉफ्टवेयर का जो है वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर में मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं आपने साफ तौर का VLC प्लेयर, ठीक है, मीडिया प्लेयर और सैकड़ों टाइप के सॉफ्टवेयर जो ऑडियो और वीडियोस को, ऑडियो एंड वीडियोस को प्ले करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसमें हम मूवीज़ देख रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर या फिर ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है जिसमें हम वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड से इमेजेस और वगैरह चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो जिसमें शामिल है एडोब प्रीमियर। इसके अलावा उसमें शामिल है जो आजकल ज़्यादा कैपकट, डीवेंसी कोड करके नाम से कुछ सॉफ्टवेयर है, मुझे उसका सही नाम नहीं आ रहा, और एक उसके अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर भी है फिल्मोरा के नाम से भी यूज़ हो रहा है फिल्मोरा, लेकिन इस टाइम जो इंडस्ट्री पे अपना छाप डाल रखी है वो एडोब प्रीमियर है और कैपकट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें आप किसी भी किस्म की वीडियो को इजीली एडिट कर सकते हैं, और इसको भी आपको ड्यूरिंग द कोर्स आगे चल के समझाया जाएगा और कुछ हाउ अभी भी आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है अपने असाइनमेंट्स के हवाले से। इसके अलावा अगर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ऑडियो एडिटिंग, जिसमें वॉइस ओवरिंग भी आ जाती है, वॉइस क्लीनिंग भी आ जाती है, और ये सॉफ्टवेयर जो है जो यूज़ होते हैं अडोब कंपनी का है, अडोब ऑडिशन, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और ये वॉइस को बहुत हद तक क्लीन भी कर देता है, नॉइस रिडक्शन भी करता है, वॉइस में इफ़ेक्ट भी डालता है, और कुछ मोबाइल ऐप्स में भी हैं, लेसी करके कोई सॉफ्टवेयर है, या इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर जो वॉइस क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं उनको हम काउंट करते हैं ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे हमारी वॉइस को बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया। थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने जाना कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर की दूसरी किस्म होती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, ये यूज़र को हेल्प करते हैं कोई भी कंप्यूटर से काम लेने में, ठीक है, और इनको हम ऐप्स के नाम से, अगर ये मोबाइल में इंस्टॉल है, और अगर कंप्यूटर में है तो यूटिलिटी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, और अगर हम बात करें कि ये कहाँ इंस्टॉल होते हैं तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं फर्दर, तो यहाँ पर हमें पता चला कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे CPU या हार्डवेयर पर इंस्टॉल हो रहा होता है। अगर हम मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख रखे हैं, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, MS Paint, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मज़ीद बात करें तो एक्सेस, फोटोशॉप, इन पेजर और प्रीमियर, ऑटोकेड वगैरह, और भी बात की जाए तो कोरेलड्रॉ, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये इसकी टाइप्स हैं जिनके आइकन्स आपके सामने दिखाए गए। फर्दर मोर, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मज़ीद टाइप्स में जब डिवाइड किया गया तो हमने इनकी और कैटेगरी बनाई, जिसमें हमने जाना कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वो तमाम सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में आएंगे जो हमें लेटर, CV, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन, थीसिस, नोट्स वगैरह लिखने की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्ड, गूगल कंपनी का डॉक्स और एप्पल कंपनी का कौन सा सॉफ्टवेयर शामिल है, पेजेस नाम का सॉफ्टवेयर शामिल है। और दूसरी कैटेगरी में जो हमारे पास आ जाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने के साथ साथ डेटा को एनालाइज करने की,
अकाउंट्स से रिलेटेड काम करने की, हिसाब किताब करने की, डेटा को एनालाइज करने की, उसमें से कुछ रिजल्ट्स इंफॉर्मेशंस निकालने की फैसिलिटी देते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेल, गूगल कंपनी का शीट और एप्पल कंपनी का नंबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग की, कार्ड्स डिज़ाइनिंग की, एनिमेशंस की, 2D एनिमेशंस की, और इसके अलावा एड्स बनाने की, 2D एड्स बनाने की फैसिलिटी देते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट, गूगल कंपनी का स्लाइड और एप्पल कंपनी का की नोट वगैरह शामिल हैं। और फिर चले जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की, डेटा को एनालाइज करके, पहले स्टोर करने की ऑर्गेनाइज वे में, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं ओरेकल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेस एंड MySQL वगैरह, जो आगे चल के आप वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग में इनको सीखेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वो फ़ोटो को एडिट करने के लिए, कोई पम्फलेट बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पम्फलेट, पोस्टर, सोशल मीडिया के पोस्ट, रील्स, कवर पेज वगैरह बनाने के लिए, या लोगोस वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, शेफ्स बनाने के लिए, कंपनी का कोई मोनोग्राम बनाने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, और इस तरह के तमाम मैकओवर वगैरह करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जिसमें सरफेरिस्त है एडोब कंपनी का फोटोशॉप, एडोब कंपनी का इलस्ट्रेटर, गिम्प और कोरल कंपनी का कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करने में, वेबसाइट्स को एक्सेस करने में हमें हेल्प करते हैं, जिसमें गूगल कंपनी का क्रोम, मोज़िला कंपनी का फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज सॉफ्टवेयर शामिल है। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वीडियोस को प्ले करने के लिए, ऑडियो को प्ले करने के लिए, वीडियो को एडिट करने के लिए, ऑडियो को एडिट करने के लिए, उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में डालते हैं और ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने कुछ कैटेगरीज़ के बारे में आपको बताया और यही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ आपको सिखाए जाएंगे, और यही कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लोग बाग सीख रहे होते हैं और किसी एक ही फील्ड के अंदर अपना कैरियर को आगे बढ़ा रहे होते हैं, वेदर वो ऑनलाइन जाना चाहते हैं, ऑफलाइन जाना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, और इसकी टेस्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था तो वो भी इसी तरह से आपका